आप देख लीजिए, एक वक्त था जब सिर्फ कांग्रेस को ही इस सीट पर जीत मिलती थी, और लेकिन अब ये समय बदल चुका है और पूरी तरीके से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। और यही वजह है शायद जो इस बार कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि राहुल गांधी के नाम को लेकर चर्चा बनी हुई है कि राहुल गांधी इस बार नामांकन अमेठी से भी भर सकते हैं, लेकिन अभी कोई मोहर नहीं लगी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इतनी भव्य तस्वीरें हैं, हर तरफ बीजेपी के झंडे, हर तरफ भगवा लहर और फूलों से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है स्मृति ईरानी और मोहन यादव का। तो आज अपना नामांकन दाखिल करने से पहले स्मृति ईरानी डॉक्टर मोहन यादव के साथ भव्य रोड शो कर रही हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद जब ये रोड शो पूरा हो जाएगा तो स्मृति ईरानी अपना नामांकन दाखिल करेंगी और एक बार फिर बीजेपी की तरफ से मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए उतर जाएंगी। तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए, डॉक्टर मोहन यादव और उनके बगल में स्मृति ईरानी और विक्ट्री साइन दिखाते हुए, तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी बेहद कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार भी उनको जीत मिलेगी, क्योंकि अमेठी की तस्वीर काफी बदल गई है। अमेठी के लोगों का भरोसा स्मृति ईरानी बन चुकी है और अमेठी के लोगों को भरोसा है कि स्मृति ईरानी एक बार फिर आएंगी तो उनके लिए बहुत ही विकास कार्य होंगे, बहुत कुछ अमेठी में बदल जाएगा। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमेठी पहुंचकर भव्य रोड शो कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रेगुलर हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी जगह पहुंच रहे हैं, वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और जब डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि बीजेपी इन्हें लोकसभा चुनाव में उतारेगी, इन्हें भेजेगी और यादव वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश करेगी। तो एक बड़ा ओबीसी चेहरा है डॉक्टर मोहन यादव। और अब आपको बता दूं कि इस रोड शो के बाद थोड़ी ही देर में नामांकन रैली करेंगी स्मृति ईरानी, माफ कीजिएगा, नामांकन के लिए अपना पर्चा दाखिल करेंगी। रैली आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है और स्मृति ईरानी के नामांकन में बहुत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो अगर अमेठी का मैं आपको लोकसभा समीकरण बता दूं तो वहां पर यादव, राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स काफी निर्णायक हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 26% से ज्यादा है। और अगर दलित और मुस्लिमों की बात करें तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत ही निर्णायक है। तो दलित वोटर्स करीब 3.5 लाख हैं, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे में मोहन यादव का पहुंचना बीजेपी के लिए अच्छे संकेत है। आप ये भीड़ देख लीजिए, लोगों में उत्साह देख लीजिए, लोगों में वही उत्साह, वही उमंग दिख रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद रोड शो करने पहुंचते हैं। तो कल भोपाल के बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में मोहन यादव ने रोड शो किया था और अब वो अमेठी पहुंचकर स्मृति ईरानी के लिए रोड शो कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अमेठी ये वो सीट है जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन अब बीजेपी इस पर कब्जा करने के लिए तैयार है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी आदर्श से। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, मोहन यादव का पहुंचना, स्मृति ईरानी के लिए रैली करना, कितने अच्छे संकेत बीजेपी के लिए आदर्श? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़े संकेत हैं। मोहन यादव अमेठी पहुंचे हुए हैं और अमेठी और आसपास जिलों में यादव जाति के जो वोट हैं बहुतायत में हैं, बड़ी संख्या में हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि यादव समाज को भी अपने साथ जोड़े। और चूंकि अमेठी जो सीट है, रायबरेली जो सीट है, वो समाजवादी
कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस कोटि में गई है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी हो उसके वोट यानी समाजवादी पार्टी के जो वोट कांग्रेस को ट्रांसफर होने से उसमें कहीं ना कहीं सेंध मारी जा सके, इस कोशिश के तहत डॉक्टर मोहन यादव को यहाँ पर उतारा गया। और इससे पहले भी कई दौरे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश किए हैं और हर दौरे के पीछे की कोशिश यही थी कि कम से कम बीजेपी अपने उस जाति को जो माना जाता था कि समाजवादी पार्टी के पास रहती है हमेशा वोट करती है उन्हें, कम से कम उसमें सेंध लगा सके। राधा बिल्कुल आदर्श, और यही सवाल है कि जातिगत समीकरण को साधने के लिए मोहन यादव को उतारा गया है, क्योंकि जैसा आपने खुद कहा कि ओबीसी वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी के खाते में जाता था यूपी में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने खाते में ट्रांसफर करना चाहती है, और इसलिए ये इस बार जो है मोहन यादव चौथी बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आदर्श बिल्कुल ये चौथा दौरा है, इससे पहले लखनऊ, आजमगढ़, अयोध्या और अब ये अमेठी पहुंचे हुए हैं, इससे पहले मैनपुरी भी एक नामांकन में गए हुए थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है बीजेपी की कि यादव समाज के चेहरे के तौर पर हमारे पास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और ये जो समाजवादी पार्टी को वोट ट्रांसफर होता था उसमें कहीं ना कहीं सेंध मारने की कोशिश रहा था। बिल्कुल आदर्श, राहुल गांधी के नाम को लेकर चर्चा बनी हुई है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस उतार सकती है, नामांकन दाखिल कर सकते हैं राहुल गांधी, इसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है, क्या कोई अंदरूनी खबर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ना सिर्फ राहुल गांधी की अमेठी से बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि 1 से 3 यानी 1 मई से 3 मई के बीच में वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन ये सभी कयास सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक है। अभी तक आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से इस बात की घोषणा या पुष्टि नहीं की गई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने गढ़ को यानी रायबरेली और अमेठी को बचाने की कवायद में है और हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि वायनाड का चुनाव खत्म हो चुका है, ऐसे में राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से। राधा बिल्कुल आदर्श, अमेठी कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने जब पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया तो इसके बाद से ये समीकरण बदल गए हैं, तो अब क्या लगता है आदर्श, क्या इस बार भी स्मृति ईरानी को जीत मिलेगी अमेठी में? देखिए ये कहना फिलहाल राधा मुश्किल है क्योंकि जीत हार का फैसला वोटिंग के बाद ही हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्साह के तहत बीजेपी यहाँ पर काम कर रही है और कांग्रेस को भी माना जा रहा है कि उसके जो लोकल टीम है और जो एक सर्वे टीम आई थी दिल्ली से उसके मुताबिक रिपोर्ट दी गई है कि राहुल गांधी की स्थिति मजबूत है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी इस बात का भरोसा है कि वो उसकी सीट निकल जाएगी यानी वो जीत रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियां, दोनों ही कैंडिडेट जो नेता हैं वो मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब ये देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या कहते हैं, जनता किसे पसंद करती है। राधा ठीक है आदर्श, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे, लेकिन तब तक हम विस्तार न्यूज के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये अमेठी से तस्वीरें आ रही हैं कि मोहन यादव और स्मृति ईरानी भव्य रोड शो कर रहे हैं, भव्य रैली कर रहे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो उमंग दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में सब कुछ बयां करता है। तो अमेठी एक ऐसी सीट जो कभी कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी, उसको भी बीजेपी अब अपने तरफ लगभग कर चुकी है, क्योंकि पिछले बार स्मृति ईरानी को जीत मिली थी और अब इस बार बीजेपी चाहती है कि स्मृति ईरानी को फिर से जीत मिले और एक बड़े आंकड़े से जीत मिले, और इसीलिए कहीं ना कहीं मोहन यादव को लगातार 4 बार बीजेपी उत्तर प्रदेश का दौरा करवा चुकी है। आज मोहन यादव का अमेठी पहुंचना यूपी के लिए चौथा दौरा है और यूपी में पूरी कोशिश कर रही है बीजेपी कि जो यादव वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गिरते हैं वोट्स, वो बीजेपी को मिले और बीजेपी के पाले में आए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, अमेठी से सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं, मोहन यादव और स्मृति ईरानी एक साथ भव्य रोड शो कर रहे हैं, और इसके बाद से स्मृति ईरानी थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगी और अपना पर्चा भरेंगी। तो कल स्मृति ईरानी अयोध्या पहुंची थी और उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया, और आज इस भव्य रोड शो से पहले भी वो पूजा अर्चना करने पहुंची थी, और अब ये भव्य रोड शो चल रहा है जिसके बाद से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी।
तो ये अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अमेठी से। और आदर्श के पास एक बार फिर चलेंगे। आदर्श, आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या तस्वीरें वहां पर और देख पा रहे हैं, क्या अलग आपको वहां पर दिखाई दे रहा है आदर्श? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर स्थानीय नेताओं की भी कमी नहीं है। कई सारे नेता जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे हम स्थानीय मंत्रियों की बात करें या फिर विधायकों की बात करें। इसके साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक भव्य रोड शो, दो रथ तैयार किए गए हैं, जिसमें एक में जो बड़े नेता हैं या यूं कहें कि जो यहाँ पर किसी पद पर पदासीन हैं, उन नेताओं को बैठाया गया है। तो दूसरे रथ पर जो हैं जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं, उन्हें बैठाया गया है। और इसके साथ एक लंबा काफिला जो है गाड़ियों का स्मृति ईरानी के साथ पीछे पीछे चल रहा है। कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। तस्वीरें लगातार मिल रही हैं और स्मृति ईरानी लोगों का अभिवादन करते हुए, मोहन यादव लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राधा, बिल्कुल आदर्श, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये देख रहे हैं ये तस्वीरें डॉक्टर मोहन यादव स्मृति ईरानी के साथ, और डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी उनको नई जिम्मेदारी मिली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के धार भूतसाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एसआई की टीम ने 38 दिनों का सर्वे लगभग पूरा कर लिया है। 29 अप्रैल यानी आज इस मामले में अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एएसआई टीम सर्वे की रिपोर्ट पेश करेगी। तो साथ ही इस दिन बेंच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की याचिका पर सुनवाई भी कर सकती है। दरअसल एएसआई के सर्वे का काम पूरा करने के लिए 8 सप्ताह और समय मांगा गया है। तो रविवार को सर्वे के दौरान टीम ने भूतशाला के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों सहित गर्भगृह में मिट्टी हटाने का भी काम किया था। तो आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि एएसआई के सर्वे का काम जो है लगभग पूरा करने के लिए 8 सप्ताह का समय भी मांगा गया है। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि 29 अप्रैल यानी आज इस मामले में बेहद अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एएसआई टीम सर्वे की रिपोर्ट आज पेश करेगी। तो इसके बाद ये देखना होगा कि हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है, क्योंकि एएसआई के सर्वे का काम पूरा करने के लिए अभी 8 हफ्ते का समय और मांगा गया है। तो इस पर हाई कोर्ट का क्या रुख होता है, हाई कोर्ट क्या कहता है, ये देखने वाली बात होगी। तो मध्य प्रदेश में दो चरणों के हाई प्रोफाइल मुकाबले के बाद से अब तीसरे चरण में ग्वालियर चंबल में चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। शुमार मुरैना लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसमें पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल मुकाबलों में सियासत का हॉट सेंटर ग्वालियर चंबल बन चुका है। ग्वालियर चंबल की मुरैना लोकसभा पर बीजेपी से शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार मैदान में हैं, तो कांग्रेस छोड़ बीएसपी के टिकट पर रमेश गर्ग भी मैदान में उतरे हुए हैं। रविवार को रमेश गर्ग के समर्थन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी सभा की और बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी, खास तौर से आपके ग्वालियर रीजन में भी एक दो ऐसे स्वार्थी किस्म के लोग हैं, तो जिन्होंने अपना छोटी छोटी पार्टी बनाकर तो कांग्रेस का मकसद हल पूरा किया, बीजेपी का भी किया। वो बात बाबा साहब की करते हैं, काम वो गांधी जी का करते हैं। तो इस किस्म के जो लोग हैं, उनके जो कैंडिडेट है, उनको आपको वोट नहीं देना है, अपने बेस वोट को आपको बटने नहीं देना है। मुरैना लोकसभा का दंगल कितना रोचक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना सीट पर हुंकार भर चुके हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया था।
भाजपा सरकार में हुए विकास को भिंड मुरैना ग्वालियर के वो लोग और ज्यादा अनुभव कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का वो काला दौर देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मायावती के चुनावी सभा करने के बाद अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी 2 मई को चुनाव प्रचार के लिए मुरैना पहुंचेंगी। लेकिन मुरैना का महामुकाबला इतना दिलचस्प क्यों है ये भी आपको बताते हैं। मुरैना लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, बीएसपी उम्मीदवार की मौजूदगी बिगाड़ सकती है गणित। सीट पर ठाकुर, ब्राह्मण, दलित मतदाता निर्णायक। 2019 चुनाव में बीएसपी को मिले थे 150,000 वोट। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की बीएसपी की कोशिश। मुरैना लोकसभा में आती हैं 8 विधानसभा सीटें, 5 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस की मजबूत पकड़। लेकिन तमाम समीकरणों के बावजूद बीजेपी को पूरा भरोसा है कि मुरैना का महामुकाबला वो आसानी से जीत रहे हैं। सियासी दावों से इतर ग्वालियर चंबल का चुनावी दंगल ऐसे भी सियासत में खास पहचान रखता है। कांग्रेस के प्रत्याशी नीतू सिकरवार पहले हमले का आरोप लगा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव से पहले और क्या सियासी रंग चंबल में देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।